क्या ये अभी भी मुमकिन है कि आदि पुरुष जैसे कबाड़ देखने के बाद आज भी हम एक जेन्युइनली अच्छी रामायण के ऊपर मूवी देख सकते हैं? जी हाँ, नितेश तिवारी जिन्होंने अपने करियर में हमें चिल्लर पार्टी, दंगल, छिछोरे जैसी मूवीज दी हैं, उन्होंने इस बार बीड़ा उठाया है रामायण के ऊपर मूवी बनाने का। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स कन्फर्म। जहां भी इसके 2 पार्ट एंड 3 पार्ट होने के ऊपर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर अपने पिंक विला के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के हिसाब से रामायण पार्ट 1 की शूटिंग 2024 के अर्ली में ही शुरू कर दी जाएगी। जहां भी पिंक विला वालों ने तो अपने सोर्सेज को जस्टिफाई नहीं किया है कि कहां से आया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो बात समझ में आती है, लेकिन मैं ये बात मानी के चल रहा हूं कि ये काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा होगा, क्योंकि भाई धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। एंड इसके ऊपर से तुम इसकी ग्रेविटी समझ ही सकते हो, इट्स लाइक अ सुपरमैन न्यूज़, जहां हमें कोई भाई एकदम कंफर्म डिटेल्स तो नहीं मिल रही होती है, लेकिन बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स आ रही होती है। खैर, अभी इस मूवी के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाए तो भाई ये सुनने में आ रहा है कि एक ट्रिलॉजी मूवी होगी, जिसके पार्ट 1 में रावण का बहुत ही ज्यादा रोल नहीं होगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से अपने काम को आगे लेकर बढ़ेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने पार्ट 1 में रावण एंड में मां सीता का हरण करेगा, जहां सेकंड पार्ट में अंदाजन वानर सेना का असेंबल एंड लंका जाने वाला पोर्शन को कवर होगा, एंड फाइनली एंड में हमें फाइनल की एंड बैटल एंड होमकमिंग वाले सीन्स देखने को मिलेंगे। जहां आर्टिकल में तो ये भी लिखा है कि रामायण की पूरी दुनिया ऑलरेडी VFX में क्रिएट की जा चुकी है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में प्रीवियस कहते हैं, जो कि मूवी के शूट करने से पहले एक क्रिएटर्स उसका रफ CGI पूरी दुनिया रिक्रिएट कर लेते हैं, जिसे प्री विजुअलाइजेशन नाम दिया जाता है, ताकि ऑन सेट पे जाकर ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन कुछ ना करना पड़े, जो कि अगर ऐसा हो चुका है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं। एंड जहां बात करें अपने कास्ट की, तो भाई स्ट्रॉन्ग प्लॉजिबिलिटी है कि रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम प्ले करने वाले हैं, साई पल्लवी एज मां सीता, और अपने लंका अधिपति रावण को पोर्ट्रे करेंगे यश, जिनके पहले बहुत ही ऐसे न्यूज आ रहे थे कि उन्होंने अपने रोल को मिस्टीरियस रखा हुआ है, कंफर्म नहीं किया है, मगर अभी इट लुक्स लाइक कि वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। एंड इसके ऊपर से भी पार्ट 1 में उनका बहुत ही ज्यादा रोल नहीं होगा, तो अभी शुरुआत के लिए तो मामला चल जाएगा। मगर भाई अगर इसमें यश हैं, वो भी एज रावण नजर आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं, क्योंकि अगर उनकी भाई प्रेजेंस होगी, वो भी अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ होपफुली, तो भाई मामला टाइट रहेगा अपना पूरा। इसमें से भाई रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम को प्ले करने का अभी थोड़ी सी अटपटी अटकली मुश्किलें पड़ी हुई हैं, क्योंकि भाई एज एन एक्टर वो मस्त है, उसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा, बहुत ही कमाल की रेंज है रणबीर कपूर की, मगर उसके ऊपर जो भगवान श्री राम को प्ले करने के साथ साथ जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसका वेट उठाना किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसका तुम बेस्ट एग्जाम्पल अभी डेविड कोरनसेट के नए सुपरमैन से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई स्टूडियो भाई बांस करके घुसा रहता है कि भाई तू सुपरमैन है, उसको प्ले करने का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेकर रियल लाइफ में भी चलनी है, कोई गलती वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पे से इवन RDJ भी अपने आयरन मैन के रोल के ऊपर ये कहते थे कि भाई उनका ऑरा उनको फिल्म के बाहर भी मेंटेन रखना पड़ता था, क्योंकि अगर वो नीचे गया तो उनके साथ सबकी ब्रांड वैल्यू भी नीचे जाती है। जो कि भाई यहाँ पे बात सिर्फ ऐसी गलतियों की ही नहीं है, आपको हल्के में भी नहीं दिखाना है कि कोई एवेंजर मूवी है, भाई रामायण पिक्चर है यार, एक इवेंट अपने आप में उसका रिलीज होना, जो कि आई थिंक रणबीर कपूर उस बात को संभाल लेंगे, बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड बहुत ही जल्दी सबके लिए अवेलेबल भी नहीं हो जाता, जो कि उस पे भी और भी अच्छी बात है। जिसमें से अभी साई पल्लवी का मां सीता को प्ले करने का सीन तो मुझे ठीक ही लगता है, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर नाउ अब बिग टॉक्स की बात करें तो हमारे पास सब्सटेंस ऑलरेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज अपने आदि पुरुष की गलतियों की तरह इसे मॉडर्नाइज मत करना, हमें साफ भाषा समझ में आती है, एंड प्लीज डोंट टेक एक्स्ट्रावेगेंट क्रिएटिव लिबर्टीज। मुझे रामायण की वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सस्ता नॉक ऑफ नहीं देखना है, वो जो उस समय की स्ट्रैटेजीज यूज किया करते थे मुझे वो देखना है, वो जो विमान किताबों में मेंशन किए गए हैं मुझे वो देखना है, मैं वो देखना चाहता हूं कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी, क्या आइडेंटिटी हमारे लिए आज छोड़ के जाती है, क्योंकि भाई इन कहानियों से मैं इंस्पायर होना चाहता हूँ कि जब मैं आज मुश्किलों में हूँ तो भाई पहले उन्होंने कैसे किया था और आज मैं कैसे कर सकता हूँ। जिसमें से एक खुशखबरी तो ये भी नजर आती है कि भाई आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि इसका VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स का डिपार्टमेंट D-Next स्टूडियोज हैंडल करने वाला है, जो कि भाई एक ऑस्कर विनिंग कंपनी है, इसने ड्यून, बुलेट ट्रेन, ब्रह्मास्त्र, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इवन गॉडज़िला वर्सस कॉन्ग जैसी मूवीज को VFX दिया है, तो भाई काम उम्मीदन हल्का नहीं होने वाला है, जो कि आई नो वो मैं बात जानता हूँ कि ब्रह्मास्त्र ऑन पार लेवल नहीं थी बाकी इंटरनेशनल टाइटल्स के कंपैरिजन में, मगर उस समय इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही चल गया था, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब रामायण आएगी तो भाई वही डेलिकेसी, रियलिज्म और इज्जत के साथ वो हमें दिखा पाएंगे, जो कि भाई मैं रियल लाइफ लोकेशंस पे चीजों का शूट होने का बहुत ही बड़ा फैन हूं, क्योंकि भाई वो अलग से ही आपके दिमाग में एक मूड सेट करता है कि हाँ भाई मेहनत की गई है। जो कि भाई इसी बात पे आर्टिकल में ये मेंशन था कि भाई यश अपने रावण के रोल के लिए श्रीलंका में 15 दिन के लिए शूट भी करेंगे। अब खैर रिलेटिवली उनका पहले पार्ट में काम बहुत ही छोटा होने वाला है, मगर मैं चाहूंगा कि मूवी की बेहतरी के लिए वो पूरी तरीके से जितना हो सके ऑनेस्ट रहे। इट लुक्स लाइक कि
कि भाई मैं भी आप ही की तरह उतना ही क्लूलेस हूँ जितना इन्होंने हमें नहीं बताया हुआ है, जहाँ पे ऐसे तो नज़र आ रहा है कि सब्जियाँ और सारे मसाले टेबल पे सजा दिए गए हैं, जिसे बनाने वाला भी ठीक ही है, बस अभी देखना तो वो बाकी है कि वो हमें स्टार्टर्स में क्या परोसते हैं, जिससे एक हिसाब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। इस पर से ये आर्टिकल में एक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्राइकिंग लगी मुझे कि उन्होंने कहा है कि ये रामायण की गाथा विजुअल नहीं बल्कि एक सिंपलिस्टिक स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा विश्वास रखेगी, जिसमें कंपेलिंग इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स एंड इमोशंस होंगे। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया बात है। विजुअल इफेक्ट्स एक एस्पेक्ट है जिसको लेकर मैं हमेशा ही थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, और मैं पर्सनली मानता भी हूँ कि रामायण की कहानी बहुत डिजर्व भी करती है पूरी तरीके से, क्योंकि भाई डर इसी बात का है ना कि रामायण एक पब्लिक डोमेन की ओपन आईपी है, हॉलीवुड कभी उठा के इस पे बना देगा तो अपन ही क्यों ना पहले अच्छे से कर ले। जहां उसी के साथ साथ हर क्रिएटर का भाई एक अपना स्पेशल स्पेसिफिक विजन भी होता है कहानी को लेकर कि वो क्या प्रेजेंट करना चाहता है, जहां मैं उसके लिए क्रिएटर्स की इज्जत करता हूं कि अगर वो रामायण की स्टोरी टेलिंग में ओरिजिनल अर्क के बारे में अपनी ट्रिलॉजी में चीजें बताना चाहते हैं तो मैं देखने के लिए बहुत ही ओपन रहूंगा, मगर दैट मीन्स कि लेस इज मोर वाला हिसाब चल रहा है, कि मतलब कि भाई अगर डिफेक्ट्स कम है तो वो अच्छा होना ही चाहिए ना, एक छोटी सी मांग है इनोसेंट सी, क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी मेरी सबकी हालत एंड गेम के हॉकाई जैसी हो चुकी है कि यार फिर से कोई उम्मीद मत देना प्लीज, मुझे नहीं पता कि मैं अपना दिल कितनी बार अब जोड़ सकूंगा। बाकी तुम बताओ तुम इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हो, क्या हम कर लेंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तुम्हें नितेश तिवारी के काम पे कितना भरोसा है, एंड तुम्हें ओवरऑल अपने हिंदी सिनेमा के रामायण के ऊपर एक नए टेक पे क्या भरोसा है, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। होप तो बेस्ट के लिए करते हैं, बाकी राम भरोसे। जहां पे इन्हीं सारी बातों के साथ साथ रणबीर कपूर की नेक्स्ट नई आने वाली मूवी एनिमल के ऊपर उनके कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने बात की हुई, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ Explain।